नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लगातार बारिश हो रही है। इसमें यमुना की सहायक नदियों केन, बेतवा और चंबल में भी उफान आने की आशंका है। ऐसा हुआ तो निचले स्तरों में दिक्कत पैदा हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस के दौरे पर हैं, जहां गुरुवार को उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा गया है। महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर हथियारों का एक जखीरा पकड़ा है। इन हथियारों का इस्तेमाल आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान किया जाना था। पुलिस के मुताबिक यह हथियार मध्य प्रदेश की फैक्ट्री में बनाए गए थे। दिल्ली में गुरुवार शाम यमुना नदी ने अपना सर्वाधिक जलस्तर रिकॉर्ड किया। शुक्रवार की सुबह जलस्तर में हल्की सी गिरावट जरूर दर्ज की गई, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय राजधानी में कई जगह पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। दिल्ली के जीटी करनाल रोड पर एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है। बीती रात हुई इस भीषण सड़क दुर्घटना में 4 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 15 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक कई घायलों की स्थिति गंभीर है। गुरुवार को पटना में बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि लाठीचार्ज और उसके बाद हुई भगदड़ में इस बीजेपी नेता की मौत हो गई। भोजपुरी सिनेमा के प्रेमियों के लिए एक सावन का नया गाना रिलीज कर दिया गया है। मशहूर एक्ट्रेस गुंजन सिंह सावन के महीने में फैंस के लिए अपना यह नया गाना लेकर आई है। द ट्रायल प्यार कानून धोखा ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर रिलीज हो चुके हैं। इस सीरीज के साथ बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस काजोल ओटीटी की दुनिया में अपना डेब्यू कर रही है। उत्तर भारत में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय रेलवे को उठाना पड़ रहा है। बाढ़ का पानी रेलवे ट्रैक्स के बाद स्टेशन और प्लेटफॉर्म तक आ गया है। इसके चलते इंडियन रेलवे ने 7 जुलाई से अब तक सैकड़ों ट्रेनें रद्द कर दी हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को जून महीने की खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी किए। इसके साथ ही देश में महंगाई को लेकर चिंतन और मन का दौर शुरू हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक जून महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.81% पर पहुंच गया है। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर ही लगातार चलता रहेगा। बनी रही हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।